बनता है? लेट मी कनेक्ट माय मोबाइल। क्वेश्चन किए आप लोगों ने घर में के नहीं जाके, इलिप्स के और पैराबोला के? घर में जाके किए थे? जस्ट वेट, कनेक्ट हो रहा है? यस, हो गया। टुडे वी शैल अंडरस्टैंड हाइपरबोला, और हाइपरबोला जो है वो आपने देखा था कि कैसे बनता था, जो हमारा डबल लेफ्ट कोन था। डबल लेफ्ट कोन में अगर हम थोड़ा स्लेंट कट कर देते थे उसको, तो हाइपरबोला बन जाता था। ठीक है, तो हाइपरबोला होता कैसे पहले ये समझ लेते हैं। है ना, पहले तो फिगर समझते हैं। इसमें इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, जैसे कि कोई एक जो इलिप्स था, इलिप्स को हम बीच में कट कर दें, बीच में कट करके टर्न कर दें, तो देखो कुछ ऐसा आ जाएगा आपका। ये दिस इज हाइपरबोला, इलिप्स को आधा कट करके इधर उधर कर दिया, बस ऐसे समझ लो आप। अब इसमें मान लेते हैं ये फोकस है F1, ये फोकस है F2, ये F1 F2 हो गया, ये जो लाइन होगी, ये पॉइंट है, ये हो गया इसका सेंटर। और ये होती है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांस वर्स एक्सिस, एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस। सबको दिखाई दे रहा है? कंजुगेट एक्सिस, और ये सेंटर हो गया, और ये हो गई आपकी वर्टेक्स। ऐसे ये वाली भी हो गई वर्टेक्स, तो वैसे ही दो वर्टेक्स होंगी, दो फोकस होंगे, एक कंजुगेट एक्सिस होगी, एक ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। जैसे कि इलिप्स में जो होती थी वो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता था, वैसे ही हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाती है और कंजुगेट एक्सिस हो जाती है। और जो आपके अब इसकी ट्रेसिंग सीखेंगे, ट्रेसिंग कैसे होगी, जैसे कि हमने, कोई बता सकता है इलिप्स की ट्रेसिंग क्या था, उसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी इलिप्स की, कैसे डिफाइन करते थे इलिप्स को हम? एनी वन ऑफ यू? नो, इतनी जल्दी भूल गए? कोई बता सकता है? सर, वन एक्सिस वाज लॉन्गर देन द अदर। बोलो सर, the one axis of a ellipse is longer than the other. No, I am asking the tracing. उसकी definition क्या थी? Sir. Yes. Sir, an ellipse is the locus of a fixed of a point whose distance from two fixed points is constant. Yes, whose distance from two fixed point is constant. या मैं ऐसे भी कह सकते हैं
कि सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो वहां पर जो दोनों को हम टोटल करते थे, जैसे हमने एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट लिया P F1 + P F2 को मिला के 2a आता था, बस यहाँ पर सम की जगह हम क्या कर देंगे डिफरेंस, तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन लिखो पहले, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स हुज इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स कॉमा द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये हमको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगी आपकी 2a, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस ये होगी 2b, और रिलेशन बिटवीन ए बी सी, रिलेशन बिटवीन ए बी और सी, सी क्या होता है मालूम है आपको, फोकस के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं प्लस माइनस c जीरो, ऐसे इसमें वर्टेक्स होगी वो प्लस माइनस a जीरो हो जाएगी, ठीक है, सेंटर हो जाएगा जीरो जीरो। अब रिलेशन में फर्क आ जाएगा केवल, देखो रिलेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उसके अंदर इलिप्स के लिए क्या था रिलेशन याद है किसी को, इलिप्स में जो रिलेशन था वो था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है इसमें, याद करने के लिए कैसे हमें समझना है, देखो इलिप्स के लिए में तो ए बी सी का सीक्वेंस था, इलिप्स में जो सीक्वेंस है वो ए बी सी मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक तरीका हो गया। अब हाइपरबोला में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा सी ए बी हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा डिफरेंस कॉन्स्टेंट डिफरेंस जो है यहां पर भी जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है वो यहां पर भी कितनी आएगी, वो 2a ही आएगी, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस तो यहां पर भी हम 2a ही लेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे तीसरा असेंट्रिसिटी, असेंट्रिसिटी जैसे वहां बताया था इट इज द रेशियो ऑफ e से रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो ऑफ c एंड a, तो इट विल रिमेन सेम, इट इज द रेशियो ऑफ c एंड a। अच्छा यहां बताओ c और a में रिलेशन अब हम समझते हैं थोड़ा, इलिप्स के केस में जो c और a के रिलेशन था वो क्या था, मतलब c a से बड़ा था छोटा था, कोई बता सकता है c a से बड़ा था या छोटा था इलिप्स के लिए, किसी का ऑब्जर्वेशन हो ध्यान हो किसी को, थोड़ा आई ओपनिंग रखनी पड़ेगी ऐसे अंधों की तरह नहीं बैठना है यहाँ पर, कोई बता सकता है क्या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ए, एनीवन ऑफ यू सर, इलिप्स में सी छोटा था, हाँ इलिप्स में सी छोटा था, इसका मतलब ये हो गया। और देखो अब हाइपरबोला में क्या होगा, सी बड़ा होगा कि छोटा होगा बताओ, ये हाइपरबोला है, अब इसमें आपको सी देखो यहाँ पे तो आएगा सी, ये आएगा ए, और ये ऊपर जो आएगा ना ये आएगा बी, अब बताओ सी छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, ए जो है वो ये यहां तक की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ए है, छोटा है छोटा नहीं आएगा बड़ा आएगा बेटा सी सर, ए छोटा
हाँ ए छोटा हो जाएगा, सी बड़ा हो जाएगा, समझ गया? अच्छा अब अगर हम इसके हिसाब से बात करें, इसमें वन मार्क क्वेश्चन आता है, जो असेंट्रिसिटी ई है वो इलिप्स के लिए ग्रेटर देन वन होगी या लेस देन वन होगी, बताओ, कोई बता सकता सोच के? फॉर इलिप्स असेंट्रिसिटी विल बी लेस देन वन और ग्रेटर देन वन? सर लेस देन वन। लेस देन वन, वेरी नाइस। देखो लेस देन वन कैसे हो गई, क्योंकि सी की वैल्यू ऐसे हमेशा कम रहेगी। मान लो सी है 4, ए है 5, तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असेंट्रिसिटी है वो इलिप्स के केस में हमेशा 1 से कम होगी, और असेंट्रिसिटी की वैल्यू हाइपरबोला के केस में कितनी हो जाएगी, इस केस में? हाँ निशांत, सुहानी, करवेत, आर यू देयर? सर मोर देन वन। यस, तो तुम भी बोल सकते हो ग्रेटर देन वन हो जाएगी, है ना? तो क्लियर है सबको ये क्यों हो जाएगी 1 से ज्यादा? क्योंकि सी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो सी हमेशा एक ही ऊपर वाली चीज ज्यादा रहेगी, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है कि असेंट्रिसिटी पैराबोला के केस में कितनी थी? कान खुले रख के बैठा तभी समझ में आएगा आपको। फॉर पैराबोला ई जो है वन इक्वल टू वन होगा, क्यों? क्यों? वहां पे आपने देखा होगा कि जो डिस्टेंस थी यहां से और इसका जो रेशियो था वो इक्वल रहता था कि नहीं? आप कोई भी पॉइंट ले लें इसके पैराबोला पे, हमेशा ये दोनों पॉइंट उससे इक्वल डिस्टेंस पर ही आएंगे, तो इसलिए ई की वैल्यू वहां पर वन हो जाती थी और यहाँ पर अलग अलग आती है, लेस देन वन और ग्रेटर देन वन। तो इलिप्स के केस में आ रही है लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, और इसके केस में लेस देन वन। तो ये हो गया हमारी दूसरी, हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, एसेंट्रिसिटी निकालाई। अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन में आएगा जब हम जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं, ये हो जाता है आपका, ये हो गया आपका सी जीरो, ये माइनस, सॉरी ये माइनस सी जीरो, ये सी जीरो, ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा ए। तो ये जो वर्टेक्स है ये हो जाएगी माइनस ए जीरो, ये ए जीरो, और ये आ जाएगा आपका बी, ट्रांस कंजुगेट एक्सिस। तो इस केस में जो इसकी इक्वेशन आएगी, बस आपको कुछ नहीं करना, जो इलिप्स की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये इलिप्स की इक्वेशन थी, उसके बीच में था प्लस, यहाँ पे लगा देना है माइनस, केवल क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है और आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन निकल जाएगी। और दूसरा दो केसेस के भी, जैसे इलिप्स के थे, अगर अलोंग वाई एक्सिस है और अलोंग एक्स एक्सिस है, तो देखो क्या चेंज होगा। अगर यही हाइपरबोला ऐसे हो जाए, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग हो गई, ठीक है, यानी कि ये आ गया जीरो कॉमा सी, जीरो कॉमा माइनस सी, ये तो हो गया इसका फोकस, और ये हो जाएगा सेंटर जीरो जीरो, और ये हो जाएगा जीरो कॉमा ए, जीरो कॉमा माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, ऊपर खिसक जाएगा, बस इसकी इक्वेशन में फर्क आ जाएगा। अब हम लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, बस ये फर्क आ जाएगा। पहले वाले केस में था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स की जगह वाई चेंज हो जाएगा, अलग अगर
ऊपर वाली पोजीशन में चला जाता है अलोंग वाई एक्सिस शिफ्ट हो जाता है. दिस इज द ओनली चेंज, अदरवाइज देयर इज नो चेंज. और इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट चीज बताने की है अगर ऐसा हाइपरबोला जिसमें a इक्वल टू b है तो वो इक्विलेटरल हाइपरबोला बन जाएगा. और इसके बाद एक लास्ट चीज और लैटस रेक्टम. जो लैटस रेक्टम है आपको पता होता है लैटस रेक्टम क्या होता है, जो लाइन फोकस से पास कर रही है उसकी लेंथ होती है लैटस रेक्टम. और इसके केस में जो लैटस रेक्टम आता है वो निकाल लेंगे हम, 2b² / a ही रहेगा. ठीक है, लैटस रेक्टम क्या होगा ये समझ लेते हैं. यहां से जो लाइन पास करेगी इसकी लेंथ निकालना है हम. अच्छा यहां तक क्लियर है तो टाइप करो सी. क्लियर, टाइप सी इन चैट बॉक्स पे एवरीबॉडी. खुशी, धनंजय, वेरी गुड, काजल, गर्वित, निशांत, अरमान, रोहित, ईशा, मोमेक, वेरी गुड. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेम. ओके, अब आते हैं इसी एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज 11.4. फर्स्ट क्वेश्चन, 1-6 कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ये सब निकालना है. तो देखो x² / 16 - y² / 9 = 1 कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड वाले से. x² / a² / y² / b² = 1 कंपेयर करेंगे तो a² = 16, b² = 9, a = 4, b = 3. अब हमारे पास रिलेशन है, वी हैव द रिलेशन. कौन सा रिलेशन है और उसको मैंने याद करने का क्या तरीका बताया था कि एबीसी आएगा सीक्वेंस एलिप्स के केस में और हाइपरबोला के केस में सी ए बी हो जाएगा, यानी कि सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, a² + b² राइट हैंड साइड चला जाएगा. सी ए बी ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट टाइप से. तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो c² = 3² + 4² (9 + 16 = 25) और c = 5. तो c की वैल्यू आ गई 5. बस अब हम सब चीज निकाल देंगे. पहला है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी. पहले फोकी इसकी निकलेगी, ये पता है हमें x एक्सिस के लॉन्ग वाला है तो (+-a, 0) ये आ जाएगा (+-4, 0) ये आ गया पहला आंसर इसका. सॉरी, फोकी तो इसकी सी रहती है ना, कोई भी नहीं बोल रहा, 5 आएगी बेटा, है ना. फोकस कितना होता है, (+-c, 0) ये आ जाएगा फोकी (+-5, 0). दूसरी चीज पूछी है वर्टिसेस. तो वर्टिसेस आपको मालूम है पहले वाले केस में वर्टिसेस होगी (+-a, 0) ये हो जाएगा (+-4,
4 कॉमा 0 ये आ गए वर्टिसेस. तीसरा पूछा है एसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ सी अपॉन ए. सी आया हमारा 5, ए है 4, तो 5/4 आंसर हो गया एसेंट्रिसिटी का. चौथा लैटस रेक्टम ये होता है 2b² / a. 2b² मतलब 2 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? नाइन हो जाएगी बाई 4, तो 9/2 आंसर आ गया. समझ में आ गया ये सबको? क्लियर हो गया? यस सर. ओके अब एक दूसरा वाला ले लेते हैं. ये दूसरी वाली टाइप से है. सेकेंड क्वेश्चन ले लिया हमने y² / 9 - x² / 27 = 1. अब देखो ये सिचुएशन कौन सी हो गई? ऊपर वाले की. ये हमारे कंपेयर कर देंगे y² / क्या आएगा इधर? b² x² / a² = 1. y² / a² तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया 9 एंड बी स्क्वायर हो गया 27. ये हो गया 3, बी हो गया 3√3. अब निकालेंगे हम सी स्क्वायर. वी है कौन सा रिलेशन हमारे पास? c² = a² + b² ये आ जाएगा c² = a² = 9 और b² = 27. तो ये हो गया 36. तो c आ जाएगा 6. a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3√3. अब वही सारी चीजें निकालेंगे हम. पहला फोकी ये होता है 0, ऊपर वाले केस में 0 + - a, ये हो जाएगा 0 + - 6. वर्टिसेस, वर्टिसेस भी आपको मालूम है कहाँ पहुंच गए, कह सकते ऊपर पहुंच गए, ये हो जाएगा 0 + - b, ये हो जाएगा 0 + - 3. और अब बचा लैटस रेक्टम. थर्ड e = c/a. c कितना आया था? 3√3 और a कितना है हमारा? सर c 6 है. c कितना है? 6. अच्छा सी 6 है और ए कितना है? 3. हाँ तो ये कट के हो गया 2. लेटेस्ट रेक्टम हो गया हमारा 2b² / a. 2 बी स्क्वायर कितना हो गया? b² = कितना है? 3√3 और a की वैल्यू 3 से 3 कट गया. सॉरी ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 1 3 से 3 कट जाएगा. 3 3 9 3 18 आंसर आ जाएगा. ठीक है, यही आ रहा है 2b² / a. हमको चारों चीजें निकालनी थी,
वो हमने निकाल लिए हैं दोनों केसेस में, और अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक थर्ड वाला आप करके देखो, और इसको पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए 36 से डिवाइड कर लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो थर्ड वाला एक निकाल के पहले चेक कर लो कि आपको कुछ पकड़ में आया कि नहीं सवाल। एक करके बताओ जल्दी करके, और जिसका हो जाए वो डन लिख सकता है। हो गया। गुड। तो 1 से लेके 6 तक आप लोग कर लेंगे। अब स्टार्ट कराता हूं मैं 7 से। वर्टिसेस दे रखी है, फोकी दे रखी है, हमको इक्वेशन निकालनी है। एक मैं बताऊंगा, एक आप करोगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। 2 मिनट और दे रहा हूं, फिनिश कर लो जिनने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। वर्टिसेस हैं ±2,0, फोकी है ±3,0। अब देखो, आपको इससे देख के ये समझ जाना चाहिए कि जो वर्टेक्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, फोकस भी, तो यही वाली सिचुएशन होगी। ये आपकी होती है वर्टिसेस, ठीक है, ये फोकस होता है ना। तो यहाँ पर सी तो हो गया 3, और ये हो गया ए, हो गया आपका 2। तो हमारे पास रिलेशन है c² = a² + b², तो c हो गया 9, a हो गया 4 + b². तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो b स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी। b स्क्वायर की वैल्यू, b स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9 - 4 = 5। अब इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला (x²/a²-y²/b²)=1। (x²) a की वैल्यू कितनी थी, 2, 4, माइनस (y²/b²), b की वैल्यू हमने निकाल ली 5 = 1। ये इसका आंसर हो जाएगा, (x²/4 - y²/5) = 1। सिंपल वे, इट इज द आंसर। तो एक क्वेश्चन, एट वाला ट्राई करिए आप पहले। After that, I will let you know ahead.
हो जाए तो उसके बाद डल लिख सकते हैं आप। शांत ने कर लिया, गुड। धनंजय ने कर लिया, वेरी गुड। काजल, मोहित, वाह वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। नाउ सी, आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 14। वर्टिसेस दे रखी हैं प्लस माइनस 7.0 और असेंट्रिसिटी दे रखी है 4/3। अब इसमें से हमें निकालना है, तो देखो वर्टिसेस से पता लग गया हमको कि ये वाली पोजीशन होगी इस हाइपरबोला की। तो वर्टिसेस जो होती है वो ए होती है, यानी कि ए की वैल्यू तो हो गई 7। असेंट्रिसिटी होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ से असेंट्रिसिटी दे रखी है 4/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू आपको पता है 7 है। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 28/3। अब हमसे पूछा गया है इसकी इक्वेशन बताएं, तो सी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू 7 हमको पता ही है, सी की आ गई 28/3। तो मैं रिलेशन निकालूंगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी आई थी 28/3, ए की वैल्यू कितनी थी 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। बी की वैल्यू आ जाएगी 28/9-49। 28 का स्क्वायर कितना आता है? सही लिखा है क्या मैंने? 28 का स्क्वायर कितना हुआ? 784 सर। 784? यस सर। हाँ सर 784 होगा। गुड। 784 में से 411 घटा दो।
441 आएगा 36, 8, 44 441 घटेगा 784 में से 441 by 9 घटा दो किसकी वैल्यू आ रही थी ये बी की यानी बी स्क्वायर की तो बी इक्वल टू 343 किसका स्क्वायर है किसी का नहीं है ये तो ये आ जाएगा 7√7/3 सही है बिल्कुल ये आ रहा है ठीक है तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 7² - ये हो जाएगा 9y² / 343/1 ये हम वैल्यू पुट करके ये हमारे फाइनल इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे जो आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे कुछ मैंने आपको एक दो करवा के दिखवा लिए हैं बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं तो आप भी कर सकते हो कोई इशू नहीं है कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको ठीक है फिर भी दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और जिनको नाम भेजने हैं वो मुझे आज ही भेज दें जिससे उनका रजिस्ट्रेशन में करा सकूं ओके नौवीं से लेफ्ट शांति पाठ